नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आइडियाज़ विद आरपीएस के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी ज़रूरी बातें जो कि आपको करनी आवश्यक है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है कि जब हम सीड लगाते हैं तो सीड लगाने के बाद मीडिया को जो है मॉइस्चर बना के रखना है, मीडिया को सूखने नहीं देना है। कई हमारे फ्रेंड गलती करते हैं कि मीडिया उनका एक बार वाटरिंग कर दिया उसके बाद वो छोड़ देते हैं तो मीडिया ड्राई हो जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी सीडलिंग निकल नहीं पाती है, सीड्स जो हैं हमारे सूख जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला काम तो आपको ये करना है कि मीडिया को जो है मॉइस्चर बना के रखना है मीडिया में। और दूसरा काम आपको ये करना है कि ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। ज़्यादा वाटरिंग करनी भी रिस्की होती है, ख़तरनाक होती है, उससे जो है रॉट होने की संभावना रहती है। तो आपका मीडिया जो है मॉइस्चर को होल्ड करने वाला मीडिया है तो उसमें आप जो है वाटरिंग करेंगे जब ऊपर की लेयर ड्राई दिखने लगे। और यदि आपका मीडिया जो है मॉइस्चर को होल्ड करने वाला नहीं है तो आप दिन में 3 बार भी वाटरिंग कर सकते हैं। वाटरिंग का मतलब स्प्रे से वाटर देना है। एक बार जब हमारे सीड सक्सेसफुली जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और जब ये ऊपर की तरफ 2 पत्तियां दिखने लगती हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद हमें अपने पौधों को जो है मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप में रखना है। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम जो है आप सनलाइट में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा तेज़ धूप में न रखिए क्योंकि अभी जो है सीडलिंग हमारी नई है और वो जल सकती हैं। तो 2 से 3 घंटे की धूप अगर आप देते हैं तो उससे हमारी जो सीडलिंग होती है एडेनियम की वो स्ट्रांग होती हैं और अच्छी ग्रोथ करती हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये हमारे सीड्स जो हैं निकले हुए हैं जो ग्रो कर रहे हैं, ये हमारी अरेबिकम की वैरायटीज़ हैं। ये अरेबिकम की वैरायटीज़ हैं, देखिए जर्मिनेशन रेट अच्छा है इनका और अभी भी देखिए इनमें जो ऊपर का कवर है ना वो लगा हुआ है। तो जो ऊपर का कवर है ना वो लगा रहे, इससे जो है थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप इसको हाथ से अलग करने की कोशिश ना करिए क्योंकि कई बार जो है हाथ से अलग करने के समय डैमेज हो जाती है रूट्स और कई बार जो है हमारा प्लांट ख़राब हो जाती है, हमारी सीडलिंग ख़राब हो जाती है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें जब आपके ऊपर में जो है हस्क लगा है, अगर हस्क ड्राई है तो प्लांट को ऊपर जो ग्रोथ करता है, जो अपनी सीडलिंग ऊपर ग्रोथ करती है, उसमें परेशानी होती है। तो आपको क्या काम करना है इसके लिए, आपको जो है पानी से स्प्रे करना है। पानी से स्प्रे करने से क्या रहेगा कि जो आपका ऊपर का जो हस्क है, जो ऊपर का कवर है, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और कवर सॉफ्ट हो जाएगा तो प्लांट जो है आराम से उस कवर को खोल करके और बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो है आपको हाथ से अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप धूप में जब उसको रखने लगेंगे तब जो है इसका हस्क ड्राई हो जाएगा। तो इस समय ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे, जब आप पानी से स्प्रे करेंगे तो जो है इसके हस्क सॉफ्ट हो जाएंगे और प्लांट आराम से जो है इनको ओपन कर लेगा और अपनी ग्रोथ को जारी रखेगा। तो दोस्तों, ये चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही साथ में एक और ज़रूरी बात आपको बताता चलता हूँ। ज़रूरी बात ये है, ये देखिए यहाँ पर अगर हमारी सीडलिंग को थोड़ा सा भी डैमेज होगा, हमारी सीडलिंग पर अगर ज़्यादा पानी रुकेगा तो देखिए इस तरह से जो है हमारी सीडलिंग रॉट भी हो जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा वाटरिंग नहीं देनी है, आपको पानी केवल स्प्रे से देना है और स्प्रे से देने से इनको ज़्यादा वाटरिंग नहीं मिलेगी, मॉइस्चर बना रहेगा और ग्रोथ आपकी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको येल्लो येल्लो कलर के दिख रहे होंगे सीडलिंग जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो है या यूँ कहूँ कि ग्रोथ ना के बराबर है। तो ये जो है अल्बिनो है, अल्बिनो प्लांट के बारे में भी मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।